अर्थ के इस बदलती हुई पिच पर 400 का लक्ष्य भी सुरक्षित नहीं। 400 थोड़ा ज्यादा बोल दिया, शायद क्रैक्स आने की वजह से उससे भी कम शायद सेफ हो सकता है। केएल राहुल ने अगले दो टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में जगह पक्की कर ली। वो तो है, क्लास प्लेयर है, लेकिन जैसा उनका करियर गया है 100 के बाद उनका एक्चुअली थोड़ा सा बैड पैच आता है, तो इस बार उम्मीद करते कि नहीं आए। जायसवाल ने इस पारी से साबित किया कि उनके पास डिफेंस वाला गियर भी है। डिफेंस वाला गियर हमने इंग्लैंड के खिलाफ भी देखा था, पेस और बाउंस और स्विंग को कैसे हैंडल करना है, इस पे एक बहुत ही कठिन एक परीक्षा हुई और वो पास हो गए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को नई गेंद से मदद ना मिलना हैरान करने वाला है। जी हाँ, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा था कि ये पिच जब तक बॉल न्यू है बहुत ही लाइवली पिच होगा, लेकिन न्यू बॉल के साथ भी काफी इजी पिच दिखाई दिया, या फिर बल्लेबाजों ने बनाया होगा इजी। भारत अगर पर्थ में ये टेस्ट जीत जाता है तो 2008 पर्थ से भी बड़ी जीत होगी कहना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े झटके लगे भारत को कि बिना शमी, बिना रोहित शर्मा, बिना शुभमन गिल एक नई ऑलमोस्ट प्लेइंग 11 के साथ नए कप्तान ऑलमोस्ट जीते, तो महान एक जीत होगी भारतीय क्रिकेट के लिए, भारतीय टीम के लिए नहीं, भारतीय क्रिकेट के लिए।